रिवाइज अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स आवाज आ रही होगी यकीनन सबको। हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था डिस्क्राइब द इलास्टिक कांस्टेंट, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड शियर मॉडुलस। इसको सरसरी सा रिवाइज करते हैं, उसके बाद जो है वो अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं, ठीक है? स्टूडेंट्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हमने देखा था, इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। सिंपली फार्मूला इसका देखा था हमने इसके यूनिट्स को देखा था कि जो है वो स्ट्रेस की वजह से इसके यूनिट्स आते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है? तो चूंकि हमारे पास जो स्ट्रेन होती है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो इसलिए उसकी यूनिट्स नहीं होते। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास। जी थ्री टाइप्स हमने स्टडी की थी। फर्स्ट पे थी हमारे पास यंग्स मॉडुलस स्टूडेंट, सेकेंड पे थी बल्क मॉडुलस एंड थर्ड पे थी शियर मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस के बारे में हमने पढ़ा था, बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन, दिस इज नोन एज यंग्स मॉडुलस। सिंपल इसका देखा था, कैपिटल वाई है इसका फॉर्मूला, हमने देखा इसके यूनिट्स वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद हमने बल्क मॉडुलस को देखा, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है? इसके फॉर्मूले को देखा, इसके भी यूनिट सेम, इनको भी हमने रिवाइज किया था। शियर मॉडुलस को हमने स्टडी किया, इट इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। इसके सिंबल को देखा, कैपिटल जी होता है, इसके फॉर्मूला को देखा और इसकी यूनिट्स को देखा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे हमने स्टूडेंट्स ड्रा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमने ड्रा की थी डक्टाइल मटेरियल्स के लिए। डक्टाइल मटेरियल्स के बारे में भी आपको बताया था कि जिस तरह एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये डक्टाइल मटेरियल, ये अच्छे मटेरियल होते हैं एज कम्पेयर टू दी ब्राइटल मटेरियल्स, ठीक है? इसके हमने ये जो स्लाइड आपको नजर आ रही है सबको हमने पढ़ा। उसके बाद ग्राफ को हम जो है वो देख रहे थे कि ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है। स्ट्रेस को वाई एक्सिस के लॉन्ग रखा जाता है या एक्स एक्सिस के लॉन्ग, इसी तरह स्ट्रेन को एक्स एक्सिस के लॉन्ग रखा जाता है या वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो हमने ए पॉइंट को भी स्टडी किया, बी को भी स्टडी किया, सी को भी स्टडी किया और डी को भी। आगे डेफिनेशन हमने पढ़ी थी प्रोपोर्शनल लिमिट की, कि प्रोपोर्शनल लिमिट होती है कि वो लिमिट के जिस लिमिट तक जितना स्ट्रेस सप्लाई कर रहे होते हैं उतनी ही उसमें स्ट्रेन आ रही होती है, तो उसको कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। यानी दोनों एक दूसरे के लॉन्ग वेरी कर रहे हैं। ये वेरिएशन इंक्रीज फॉर्म में भी हो सकती है, ये वेरिएशन हमारे पास है डिक्रीज फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है? सेकेंडली हमारे पास इलास्टिक लिमिट, इसको भी हमने देखा, इट्स कैन बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम स्ट्रेस इन विच द बॉडी कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। देखें आपके पास कोई भी रबड़ है ना, कोई भी रबड़ का पीस है, आप उसको खींचते हैं, खींचना शुरू कर दें, आहिस्ता आहिस्ता आप जो है वो उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते जाएंगे, उसकी एक्सटेंशन में इजाफा होता जाएगा, उसकी लेंथ में जो है वो इंक्रीज आता जाएगा। लेकिन एक पॉइंट आएगा कि जिस पे आप रबर को मजीद खींचेंगे तो या तो रबर टूट जाएगा, ठीक है, फ्रैक्शनल आ जाएगा उसमें, या फिर जो है वो वापिस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ सकेगा। तो बेसिकली इलास्टिक लिमिट एक ऐसी लिमिट है कि जिसमें जिससे थोड़ा सा भी आप जो है वो स्ट्रेस को ऊपर अप्लाई करेंगे या ज्यादा अप्लाई करेंगे तो बॉडी जो है ना वो अपनी दोबारा ओरिजिनल पोजिशन में वापिस नहीं आ सकेगी। यानी इलास्टिक लिमिट बेसिकली वो लिमिट है, वो आखिरी पॉइंट है कि जिस तक हम स्ट्रेस लगा सकते हैं किसी भी इलास्टिक बॉडी के ऊपर, उससे ऊपर लगाएंगे तो वो डीफॉर्म नहीं हो सकेगी, वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ सकेगी। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इलास्टिक डीफॉर्मेशन। अब जो है वो हमने देखा जो सी पॉइंट है हमारे पास, इलास्टिक डीफॉर्मेशन का पॉइंट है, इसको पढ़ते हैं। अ टेंपरेरी डीफॉर्मेशन इज कॉल्ड एन इलास्टिक डीफॉर्मेशन। अ टेंपरेरी, टेंपरेरीली क्या मतलब होता है? अ टेंपरेरी डीफॉर्मेशन, डीफॉर्मेशन का स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि डीफॉर्म हो जाना बॉडी का, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाना आफ्टर अप्लाइंग एन स्ट्रेस, आफ्टर अप्लाइंग अ स्ट्रेस बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आती है। मैंने ग्राफ, अगर आप दोबारा आप ग्राफ की तरफ मूव करें तो सी पॉइंट मैंने आपको बताया था कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट होता है। तो बेसिकली ये लाई करता है किन मटेरियल्स के लिए, अच्छे मटेरियल्स होते हैं जो डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं। बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो डक्टाइल मटेरियल्स के ही रेलिवेंट है। मैंने एक्स्ट्रा उसमें आपको बताया था कि बी पॉइंट तक ब्रिटल मटेरियल्स जाते हैं, जिस तरह ग्लास हो गया, जिस तरह आयरन हो गया, लेकिन जो डक्टाइल है वो सी तक जाते हैं। अब इनसे भी अच्छे होते हैं वो हमारे पास पॉलीमर्स होते हैं।
पॉलीमर्स जो है ना वो डी पॉइंट तक जाते हैं, हालांकि डक्टाइल सी तक आते हैं, इसके बाद टूट जाते हैं या फिर इसके बाद जो है वो अगर हम मजीद स्ट्रेस अप्लाई करते हैं दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आते। ठीक है, जो हमारे पास डी पॉइंट है इसमें सिर्फ पॉलीमर्स होते हैं, जैसे कि नाइलॉन वगैरह आपको बताया था, उसमें पॉलीथीन वगैरह आपको बताया था, जिस तरह शापर हो गया, जिस तरह सिल्क के जो है वो कपड़े हो गए, ये इनको आप जो है वो स्ट्रेस लगाएंगे ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएंगे, इवन डी पॉइंट तक, फ्रैक्शनल पॉइंट तक जाएंगे, फ्रैक्शनल लिमिट तक, फ्रैक्चर लिमिट तक ये जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो इनमें फ्रैक्चर आएगा या फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आ सकेंगे या फिर जो है वो फट जाएंगे या टूट जाएंगे, जो भी आप जिस चीज को भी आप स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे यील्ड पॉइंट है, द पॉइंट ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बियॉन्ड व्हिच इफ स्ट्रेस इज इंक्रीज देन परमानेंट डिफॉर्मेशन टेक प्लेस इन द मटेरियल। परमानेंट डिफॉर्मेशन, वही आपको स्टूडेंट्स बात बताई है ना कि जो हमारे पास डी पॉइंट है ना, यील्ड पॉइंट, वो ऐसा पॉइंट है कि जिस पॉइंट पे अगर आप जाएंगे तो उसमें क्या होगा, देन परमानेंट डिफॉर्मेशन टेक प्लेस। अगर आप किसी बॉडी को खींचते हैं, खींचते जाते हैं, उस पे स्ट्रेस लगाई रखते हैं, थोड़ी देर लगाई रखते हैं, कुछ अर्सा लगाई रखते हैं, तो बॉडी जो है ना वो परमानेंट वही शेप इख्तियार कर लेगी, बॉडी में वो जो डिफॉर्मेशन है वो परमानेंट आ जाएगी। अब वापिस जो है ना वो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजिशन में कभी भी वापिस नहीं आ सकेगी। ठीक है, वो पॉइंट होता है यील्ड पॉइंट, के वो पॉइंट किसी भी जो है वो सॉलिड के लिए, किसी भी बॉडी के लिए, कि जिस पे जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसमें जो स्ट्रेन आता है वो स्ट्रेन परमानेंटली आ जाता है, बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आ सकती। और इसका ये जो प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस को कहते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी, ठीक है, एक वर्ड है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी एक लिमिट होती है किसी भी इलास्टिक बॉडी के लिए, कि जिस पे हम स्ट्रेस अप्लाई करके स्ट्रेस को जब हटाते हैं तो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आती है। लेकिन प्लास्टिसिटी एक ऐसा पॉइंट होता है किसी भी इलास्टिक बॉडी के लिए कि जिसमें बॉडी अपनी पोजीशन में वापस नहीं आ सकती। ठीक है, द परमानेंट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी, जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन है ना वो टेम्परेरी है। ठीक है, आरजी तौर पर है, टेम्परेरी डिफॉर्मेशन इन अ सॉलिड बॉडी इज कॉल्ड इलास्टिक डिफॉर्मेशन। और जो लास्ट पे लिखा है प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। प्लास्टिसिटी में कुछ मटेरियल्स हैं, इलास्टिक मटेरियल्स हालांकि होते हैं, लेकिन उन पे जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, उन पे फोर्स अप्लाई करते हैं, उन पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो वो अपनी शेप को बिल्कुल ही चेंज कर लेते हैं, दोबारा वापस नहीं आते। किस तरह, इसकी एग्जांपल क्या है आपके पास, ये जो छोटे बच्चे क्ले यूज करते हैं ना, क्ले जिसे खेलते हैं, मट्टी जिसे आप कहते हैं, ठीक है, बाजार से भी मिल जाती है, स्टेशनरी की शॉप से, तो उसके ऊपर अगर आप, हालांकि उसमें इलास्टिसिटी होती है, उसका आप कोई भी रेक्टेंगल शेप बना लें, उसका आप कोई भी जो है वो सफियर शेप बना लें, उसकी कोई भी स्क्वायर बना लें, अब जब उस पर दोबारा फोर्स अप्लाई करेंगे ना, तो वो जो शेप उसकी होगी वो परमानेंट शेप तैयार कर लेगा, दोबारा से वो वापिस नहीं आ, दोबारा वापिस अपने बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजिशन में वापिस नहीं आ सकेगी। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास स्लाइड है स्टूडेंट, लास्ट स्लाइड इस टॉपिक की, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन विदस्टैंड इज कॉल्ड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। पहली तो बात है, टेंसाइल वर्ड यूज होता है स्टूडेंट्स किसके लिए, लेंथ के लिए, कि जब हम जो है वो टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो टेंसाइल स्ट्रेन जो है ना वो हम हमारे पास आता है, हमें ऑब्टेन होता है, उसमें जो चेंज आता है वो उसकी लेंथ में आता है। ठीक है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के वो लिमिट, जिस लिमिट में बॉडी जो है ना वो स्ट्रेस को अपने ऊपर बर्दाश्त कर सकती है, विद स्टैंड का मतलब होता है बियर करना, टॉलरेट करना, बर्दाश्त कर सकती है, उससे थोड़ा सा भी अगर ज्यादा लगाएंगे तो क्या होगा, बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी परमानेंटली। ठीक है, द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन विद स्टैंड इज कॉल्ड अल्टीमेट स्ट्रेंथ। जी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि दोबारा से रिपीट करते, तो जरा गौर से सुनिए, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ the maximum stress that a material can withstand। देखिए, आपके पास ना कोई भी रबड़ का पीस है, ठीक है, उसको आप जो है ना वो छत के साथ बांधते हैं एक सिरे से, उसके दूसरे सिरे पे ना आप मैसेज लटकाना शुरू करते हैं, पहले उस पे 5 किलो का मैस लटकाते हैं, फिर उसके साथ जो है वो 20 किलो का मैस हैंग करते हैं, फिर जो है वो 30 किलो का, फॉर एग्जाम्पल के उस जो आपके पास रबड़ है जिसको आपने एक सिरे से छत पे बांधा हुआ, दूसरे सिरे पे आप उसके क्या कर रहे हैं, वेट बांधते जा रहे हैं, वेट हैंग करते जा रहे हैं, तो उसकी एक प्रॉपर लिमिट है, यानी फॉर एग्जाम्पल के वो 50 किलोग्राम तक बियर कर सकते हैं, उसके बाद वो टूट जाएगा। तो अगर आप 30 अप्लाई करते हैं उसके ऊपर वेट, फिर 40 करते हैं वेट में 10 किलो मजीद इजाफा करते हैं,
फिर 10 किलो मजीद 50 हो जाता है, अब मजीद आप 1 किलो भी उसके ऊपर बांधेंगे तो बॉडी क्या करेगा, वो रबड़ टूट जाएगा, वो डीप फॉर्म परमानेंटली हो जाएगा। तो जो उस रबड़ की अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ थी वो एक प्रॉपर लिमिट में थी कि ये 50 किलोग्राम वेट को बियर कर सकता है, और इसकी लेंथ में फॉर एग्जाम्पल वो पहले जो है ना वो 5 मीटर के, और 2 मीटर उसकी लेंथ में इजाफा हो सकता है। अब 2 मीटर से ज्यादा अगर उस पर आप स्ट्रेस अप्लाई करके उसकी लेंथ में इजाफा करना चाहेंगे तो वो जो रबड़ है वो या तो टूट जाएगा या दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में कभी भी वापिस नहीं आ सकेगा। इसको हम इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा एम से स्टूडेंट इसको लिखते हैं। सिग्मा के साथ ये जो एम है ना ये दोनों सेम साइज के नहीं है, सिग्मा के साथ एम स्मॉल साइज के, ठीक है, इस बात को आपने जहन नशीन कर लेना। आगे जी लास्ट पॉइंट फ्रैक्चर स्ट्रेस। फ्रैक्चर का मतलब होता है स्टूडेंट टूटना, स्ट्रेस का मतलब आफ्टर अप्लाइंग स्ट्रेस। व्हेन द पॉइंट सी इज क्रॉस्ड, जब पॉइंट सी क्रॉस होता है एंड पॉइंट डी इज रीच्ड और पॉइंट डी आता है ऑन द कर्व, ये बेसिकली पॉलीमर्स के लिए बात हो रही है, नायलॉन और पॉलीथीन वगैरह के लिए, ये एक बात है ना वो आपने जहन नशीन कर लेनी है अच्छी तरह से। व्हेन द पॉइंट सी इज क्रॉस्ड, जब पॉइंट सी को हम क्रॉस करते हैं ये ग्राफ की बात हो रही है, ठीक है, ग्राफ ए बी सी और डी पॉइंट्स पे, एंड पॉइंट डी इज रीच्ड ऑन द कर्व the material breaks and the stress at which this breaking occur is called fracture stress. Fracture stress wo stress hota hai ke jo solids ko bilkul permanently tod deta hai. Dobara bata raha hu, fracture stress tak jo acche wale materials hai polymers hai wo jate na to brittle ja sakte na ductile ja sakte hai, lekin fracture stress wo hota hai ke jab bhi hum kisi body ke upar fracture stress apply karte hain to ye jo body hai usko bilkul break up kar deta hai, बिल्कुल तोड़ देता है किसी बॉडी को, कि आप सिंपल इसको इस तरह से समझ लें, किसी इलास्टिक बॉडी को तोड़ने के लिए आफ्टर अप्लाइंग स्ट्रेस, वो स्ट्रेस जो है वो उसके ऊपर जो है वो आप बाहर की तरफ भी लगा सकते हैं अंदर की तरफ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी सॉलिड को, किसी भी सॉलिड बॉडी को वो स्ट्रेस जो तोड़ देता है परमानेंटली, इलास्टिक बॉडी को तोड़ देता है, उसको हम फ्रैक्चर स्ट्रेस का नाम दे देते हैं जी। तो ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। तो हाँ ये डेफिनेशन है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, दोबारा से रिवाइज करवाता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। डक्टाइल सब्सटेंसेस स्टूडेंट्स, वो सब्सटेंसेस दी सब्सटेंसेस विच शो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, जो डक्टाइल सब्सटेंसेस होते हैं ना वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो करते हैं, अंटिल दे ब्रीक आर कॉल्ड डक्टाइल सब्सटेंसेस, जब तक वो टूट ना जाए, अंटिल दे ब्रीक, ठीक है, जब तक वो टूट ना जाए तब तक वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो करते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं डक्टाइल मटीरियल। जिस तरह एल्यूमिनियम है, जिस तरह कॉपर है, उसके ऊपर फोर्स लगाए ना तो क्या होता है वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है, तो इसी को तो हम प्लास्टिसिटी कहते हैं, इसी को तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। इलास्टिक डिफॉर्मेशन एल्यूमिनियम या फिर जो आपके पास कॉपर वायर एल्यूमिनियम का पीस कोई भी होता है उसके ऊपर आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, चाहे आउटवर्ड डायरेक्शन में चाहे इनवर्ड डायरेक्शन में, तो वो उसकी शेप में परमानेंटली जो है ना वो चेंज लेके आ जाता है। इस तरह के सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं डक्टाइल सब्सटेंसेस। देखिए ना इन्होंने लिखा हुआ है लेड हो गया, कॉपर हो गया, रॉड हो गया, रॉड आयरन, ठीक है, यानी लोहे की बात हो रही है यहाँ पे, ईटीसी एक्सेट्रा। ब्रिटल मटेरियल्स को सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, ब्राइटल सब्सटेंसेस, अदर सब्सटेंसेस विच ब्रीक जस्ट आफ्टर द इलास्टिक लिमिट, ऐसे मटेरियल जो इलास्टिक लिमिट जो ही क्रॉस होती है साथ ही टूट जाते हैं। मैंने आपको ग्राफ पे बताया था कि जो ब्राइटल मटीरियल होते हैं वो ए पॉइंट तक जाते हैं, ए से बी तक जो है ना वो टूट जाते हैं, बी तक पहुंच नहीं पाते, लेकिन डक्टाइल बी से सी तक भी जाते हैं, और जो हमारे पास पॉलीमर्स है वो डी तक जाते हैं, ठीक है। तो ब्राइटर सब्सटेंसेस के बारे में लिखा जा रहा है अदर सब्सटेंसेस विच ब्रीक जस्ट आफ्टर इलास्टिक लिमिट, ऐसे सब्सटेंसेस के जो इलास्टिक लिमिट क्रॉस होने के साथ ही क्या करते हैं ब्रीक अप हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उनमें जो है वो परमानेंटली डिफॉर्मेशन आ जाती है, वो फ्रैक्चर हो जाते हैं, इज रीच्ड इज कॉल्ड ब्राइटर सब्सटेंसेस, को हम क्या नाम देते हैं ब्राइटल सब्सटेंसेस का नाम देते हैं। जिस तरह के ग्लास हो गया, अब ग्लास है आपको पता है शीशे का ग्लास है, तो उसके ऊपर आप फोर्स लगाएंगे तो उसमें चेंज नहीं आएगा, उसमें चेंज आएगा एक बार ही फोर्स लगाने से। आप क्या करें, हाथ घर में खड़े हो, ग्लास को हाथ में पकड़े और नीचे फर्श होना चाहिए, ये बात जहन नशीन कर लेनी है, हाथ से छोड़ दे ग्लास, क्या होगा जाके जो ही फोर्स अप्लाई होगी, ठीक है, आप उसको उठाएंगे हाथ में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, जो ही वो फर्श पे लगेगा जाके तो क्या होगा उसमें परमानेंटली डिफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के मटेरियल्स को कहते हैं ब्राइटल सब्सटेंसेस, हाई कार्बन स्टील वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारे इसकी एग्जांपल्स हैं। इस टॉपिक को अच्छे से कीजिएगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स
इस टॉपिक में किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई मसला है तो वो पूछ सकते हैं ओपनली, अगर नहीं है तो हम नेक्स्ट आते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्क्राइब द स्ट्रेन एनर्जी इन अ डिफॉर्म्ड मटेरियल। दोबारा जो है वो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, डिस्क्राइब द स्ट्रेन एनर्जी इन अ डिफॉर्म्ड मटेरियल। आप किसी भी जो है वो बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स को लगाने के लिए आप जो है वो चूंकि फोर्स अप्लाई करें आपकी अपने अंदर एनर्जी मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी है तो फोर्स लगेगी, एनर्जी नहीं है तो फोर्स नहीं लगेगी। तो यहाँ पे हमने बेसिकली उस एनर्जी को जो है वो डील करना है कि जो एनर्जी स्टोर हो जाती है इनमें इलास्टिक मटेरियल्स में आफ्टर अप्लाइंग स्ट्रेस। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आप जो है ना वो अपने घर के घर में खड़े हैं, ठीक है, आपने फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, आप किसी भी चीज को नीचे से फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाते हैं तो जिस भी चीज को, वो कुर्सी हो सकती है, वो मेज हो सकती है, जिस चीज को नीचे से अपने छत पे लेके जा रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे लेके जा रहे हैं, तो क्या होगा, बेसिकली उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। वो पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर हुई है, वो आपके अपने अंदर जो आपने नाश्ता वगैरह किया था वो एनर्जी आपने अपने अंदर सेव रखी हुई थी, आपने वो एनर्जी टेबल के ऊपर अप्लाई की, उसको उठाया सीढ़ियों के जरिए से या लिफ्ट के जरिए से उसको छत पे पहुंचा दिया, जो एनर्जी जो फोर्स आपकी जाया हुई वो उस टेबल में या उस कुर्सी में स्टोर हो गई है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इसी तरह सेम केस इलास्टिक मटेरियल का होता है, कोई रबड़ वगैरह हो गया, कोई फोम वगैरह हो गया, कि जब आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई होती है जब जो है वो जो चीज फोर्स अप्लाई कर रही है उसके अंदर एनर्जी मौजूद हो। आपने फोर्स अप्लाई कर लिया तो आपने कुछ खाया पिया होगा, आपके अंदर एनर्जी होगी तो आप फोर्स अप्लाई कर सकेंगे ना उसके ऊपर। तो जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे वो फोर्स जो आपने उस इलास्टिक मटीरियल के ऊपर अप्लाई की है, ठीक है, वो कोई फोम हो सकता है, वो रुई हो सकती है, वो जो है वो कोई रबड़ का पीस हो सकता है, उसको आप बेशक खींच रहे हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में या इनवर्ड डायरेक्शन में आप दबा रहे हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि मटेरियल्स के अंदर एनर्जी स्टोर होती है जिसको स्ट्रेन एनर्जी का नाम भी देते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम भी देते हैं, ठीक है। तो इसको हम पढ़ते हैं, बेसिकली होती है पोटेंशियल एनर्जी है ये भी, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी ड्यू टू एन इलास्टिक डिफॉर्मेशन। दोबारा जो है वो इसको देखें, समझने की कोशिश करें, द पोटेंशियल एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी जो कि बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है due to an elastic deformation, elastic पर जहां भी आए ना तो आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो को माइंड में ले आना है कि यहाँ पे स्ट्रेस अप्लाई होने की बात हो रही है। तो ये वो एनर्जी होती है जो किसी भी बॉडी के अंदर स्ट्रेस अप्लाई करने से स्टोर हो जाती है, उसको हम स्ट्रेन एनर्जी का नाम देते हैं, एंड विच इज इक्वल टू द वर्क डन टू प्रोड्यूस दिस डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन होता है ना किसी भी बॉडी की शेप में, किसी भी बॉडी की लेंथ में, किसी भी बॉडी के वॉल्यूम में चेंज ले आना, तीनों तरह का जो चेंज होता है वो स्ट्रेन की फॉर्म में होता है और उसी को डिफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। तो डिफॉर्मेशन कब आती है, जब टेंसाइल स्ट्रेस, जब शियर स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है तो ही किसी भी सॉलिड में, तो ही किसी भी बॉडी में डिफॉर्मेशन आती होती है, विच इज इक्वल टू द वर्क डन टू प्रोड्यूस दिस डिफॉर्मेशन। बेसिकली हमने चाहा था ना कि इस फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई रबड़ का पीस है, आपने उसको खींचा, आपने चाहा है, आपने उस पर फोर्स लगाई, आपने उस पर स्ट्रेस लगाया तो आपने उसकी लेंथ में इजाफा किया है ना, तो वो जो वर्क डन कर रहे हैं ना, जितना वर्क डन ज्यादा होगा उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी। स्ट्रेन एनर्जी का रूल है, जो आप फॉर एग्जाम्पल किसी बॉडी को फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाते हैं, एक बॉडी है, दूसरे बॉडी है उसके बरक्स आप उसको सेकंड फ्लोर पे लेके जाते हैं, आपने वर्क डन सेकंड फ्लोर पे लेके जाने वाली बॉडी पे ज्यादा किया है तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो एज कंपेयर टू दैट बॉडी की जो फर्स्ट फ्लोर पे पड़ी हुई है उससे डबल होगी, ठीक है, ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए। तो जितना आप जो है वो रबड़ को खींचेंगे, फोम को खींचेंगे उसको या दबाएंगे तो उसमें उतनी ही ज्यादा, चूंकि वर्क डन करना पड़ेगा, जितना वर्क डन करना पड़ेगा उतनी ही उसमें एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी। ये देख सकते हैं आपके पास क्या था कि एक जो है वो सॉलिड पॉइंट है, एक मैस है, ये आपने फर्स्ट जो है वो फिगर में क्या किया है लेफ्ट साइड पे कि आपने एक आपके पास रबड़ था उसके साथ आपने ना थोड़ा छोटा मैस लगाया, फॉर एग्जाम्पल जो लेफ्ट साइड पे है मोस्ट लेफ्ट साइड पे वो 5 किलोग्राम है, आपने क्या किया है सेकंड में जो मिड में आपको नजर आ रही है कि इसकी लेंथ में इजाफा कब हुआ है, जब आपने वेट में इजाफा किया है, वेट इज लाइक फोर्स, वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है, ये भी फोर्स ही होती है,
जितना आप मैस को इंक्रीज करते जाते हैं तो रबड़ है या इलास्टिक मटेरियल उसकी लेंथ में क्या होता जाता है, इजाफा हो गया। अब जो लेफ्ट साइड पे आपको फिगर नजर आ रही है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो 5 किलोग्राम मैस है, जो मिड में नजर आ रही है फॉर एग्जाम्पल वो 10 किलोग्राम मैस है। तो जब आपने 5 किलोग्राम लगाया था तब आपने एक लेंथ पॉइंट की थी, ये डॉटेड से आपको नजर आ रही है। आपने क्या किया, उस 5 किलोग्राम को 10 में जब कन्वर्ट किया तो लेंथ में जब इजाफा हुआ तो वो जो इंक्रीज आया लेंथ में, वो जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आया इस बॉडी के, उसको हम डेल एक्स से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, डेल एक्स। और ये जो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में नजर आ रही है आपको मिड में जो फिगर है, ये बेसिकली वेट की फोर्स है, इसमें पता नहीं होना, जो वेट की फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। और जो चेंजिंग आई है वो आई है डेल ऑफ एक्स, एक्स को बेसिकली आप लेते हैं ना डिस्टेंस की फॉर्म में, यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में ले ले या फिर यहाँ पे आप लेंथ की फॉर्म में ले ले, ठीक है, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट फिगर में एक्सप्लेनेशन है स्टूडेंट स्ट्रेन एनर्जी की। कंसिडर अ वायर इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम वन एंड ऑफ द फिक्स सपोर्ट। ये जो मैंने डायग्राम आपको समझाई है ना, सारा कुछ यही लिखा हुआ है कि एक फिक्स पॉइंट है, एक जो है वो हमने इलास्टिक ले लिया, सॉलिड ले लिया, उसके साथ एक मैस को हैंग कर दिया, सारा कुछ यही लिखा हुआ है। देखिए, कंसिडर अ वायर इज सस्पेंडेड वर्टिकली, वर्टिकली सस्पेंड किया गया है, y-axis के अलोंग उसको लटका दिया गया है, फ्रॉम वन एंड ऑफ द फिक्स सपोर्ट, एक जो साइड है वो जो रबड़ है या जो इलास्टिक मटेरियल है उसको आपने जो है वो किसी सॉलिड पॉइंट के साथ बांध दिया ऊपर की तरफ, और दूसरे उसके पॉइंट के साथ क्या कर दिया, दूसरी साइड के साथ आपने किसी भी मैस को हैंग कर दिया, या आपने क्या कर दिया, फिक्स सपोर्ट, एंड अदर एंड इज अटैचिंग विद वेट, उसके साथ आपने वेट को बांध दिया। सो द स्ट्रेचिंग फोर्स, स्ट्रेचिंग फोर्स वो फोर्स जो किसी भी सॉलिड के लेंथ वगैरह में इजाफा कर देती है, स्ट्रेच कर देती है उसको। Stretching force can be increased by increasing the weight. मैंने आपको बताया ना, पहले वाली साइड पे 5 किलोग्राम, जब 10 किलोग्राम करेंगे तो लेंथ में इजाफा होगा, ठीक है, यहाँ भी वही बात है, be increased by increasing the weight for different weight suspended. जो जो आप different weight suspended करते जाएंगे, then the length of the wire is the different value. अब तीसरी फिगर देख लें, हमने क्या किया, ये दूसरे में 10 किलोग्राम मैस था, तीसरे में हमने 15 किया या 20 कर लिया, तो क्या हो गया, उसकी लेंथ में मजीद इजाफा हो गया। लेकिन इसकी भी एक इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, ये याद रखिएगा, रबड़ के साथ उसकी लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, अगर एक जो है वो रबड़ है उसकी जो टॉलरेटिंग मैस है या टॉलरेटिंग वेट है या जो जितना वो मैस बियर कर सकता है वो 10 किलोग्राम है या 20 है, आप अगर उसमें 30 लटकाने की कोशिश करेंगे तो वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा या वो टूट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है फॉर द डिफरेंट वेट सस्पेंडेड देन द लेंथ ऑफ द वायर इज द डिफरेंट वैल्यू, तो आपको डिफरेंट वेट लटकाएंगे तो जो लेंथ की वैल्यूज होगी वो भी डिफरेंट मिलेगी। नेक्स्ट इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। देखिए, आप शुरू में क्या हुआ, शुरू में आप देखिए लीनियर ग्राफ है आपके पास, बेसिकली ये ग्राफ है किस किस के दरमियान, फोर्स और लेंथ के दरमियान, फोर्स है यहाँ पे वेट की जिसको मैंने प्लेस किया वाई एक्सिस के अलोंग, जो हमारे पास लेंथ है जो इलास्टिक रबड़ है जिसके साथ वेट को बांध रहे हैं उसकी जो लेंथ में इजाफा होने है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। शुरू में क्या हो रहा है, शुरू में लीनियर ग्राफ आपको मिल रहा है, जितनी फोर्स लग रही है, ठीक है, जितना वेट लटका रहे हैं उतना ही लेंथ में इजाफा हो रहा है, क्योंकि एक मैंने कहा बताया आपको कि हर इलास्टिक मटेरियल की एक इलास्टिक लिमिट होती है, दोबारा बता रहा हूँ, हर इलास्टिक लिमिट की एक इलास्टिक लिमिट होती है कि हुक्स लॉ जो होता है वो इलास्टिक लिमिट तक अप्लाई होता है, कि फोर्स अप्लाई करते जाए लेंथ में इजाफा होता है, दिस इज नोन एज हुक्स लॉ, कि बाय अप्लाइंग फोर्स देयर इज इंक्रीज इन लेंथ, कि आप फोर्स को बढ़ाते जाए तो लेंथ में क्या होता जाएगा, इजाफा होता जाएगा। तो यहाँ जो सी पॉइंट है ना, ओ से लेकर ओरिजिन से लेकर सी पॉइंट तक ग्राफ लीनियर मिल रहा है, जितनी फोर्स लग रही है उतना ही लेंथ में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन आगे क्या हो रहा है, आगे फोर्स ज्यादा लगानी पड़ रही है, ठीक है, चूंकि यील्ड पॉइंट आ गया है, ठीक है, यील्ड पॉइंट पे आपको फोर्स ज्यादा लगानी पड़ती है लेकिन उसकी जो लेंथ है उसमें कम इजाफा होता है, ठीक है, सी से एच तक देखे कर्व आ रही है तो आगे यील्ड पॉइंट शुरू हो जाएगा, हमने सिर्फ स्टडी करना है ओ से सी तक, तो जो यहाँ पे एरिया होगा ना, एरिया अंडर द फोर्स एंड लेंथ ग्राफ, तो ये आपको क्या देगा, ये आपको वर्क डन देगा, नीचे लिखा हुआ है, सो वर्क डन फॉर वेरी स्मॉल एक्सटेंशन इज एफ मल्टीप्लाई बाय डी एक्स। आप सबको वर्क का फॉर्मूला पता है, बेसिकली वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ सब बच्चों को पता है, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स कौन सी लग रही है, ये देख लें, फोर्स लग रही है डाउनवर्ड में वेट की,
और इजाफा किस में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कौन सी चीज तय कर रही है, वो लेंथ में इजाफा हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट को लेंथ की फॉर्म में लेंगे, जो वेट है उसको फोर्स की फॉर्म में लेंगे। तो एफ मल्टीक्रॉस डेल एक्स, ठीक है, ये आपको देगा वर्क डन फॉर वेरी स्मॉल एक्सटेंशन। स्मॉल एक्सटेंशन कि हमने थोड़ा सा उसमें क्या लाया है, चेंज लाया है बाय इंक्रीजिंग द वेट, ठीक है। इट इज द एरिया ऑफ द शेडी ट्रिप, ये जो शेडी ट्रिप आपको नजर आ रहा है, शेड की अवर लाइंस लगी है, ठीक है, शेडी ट्रिप है ये, बेसिकली क्या पा रही है, एक रेक्टेंगल हमारे पास ट्राइंगल बन रही है, ओ ए बी, इट इज अ ट्राइंगल, दोबारा बता रहा हूं, ओ ए बी ये एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल से आप वर्क डन फाइंड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम फोर्स है, जो हम फोर्स लगा रहे हैं वेट की फोर्स, उसको हम जो है ना वो एफ वन एफ टू एफ थ्री में डिवाइड करते हैं, और जो हमारे पास लेंथ है उसको डेल एक्स वन डेल एक्स टू डेल एक्स थ्री या स्मॉल एल वन स्मॉल एल टू स्मॉल एल थ्री, आपका जो दिल चाहे आप उसको लिख सकते हैं, या तो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री भी लिख ले, या फिर आप उसको यहाँ पे मैंने लिखा हुआ एल वन एल टू एल थ्री, ठीक है। तो क्या होगा, हमने वर्क डन फाइंड करना है, पहले ग्राफ को समझे, ग्राफ में क्या कहा जा रहा है, अ ग्राफ कैन बी ड्रॉन बिटवीन द फोर्स एंड एक्सटेंशन ऑफ द वायर, वो जो मैंने आपको बात बताया कि जो वेट की फोर्स लग रही है और जो उसमें एक्सटेंशन आ रही है, उसके दरमियान हमने ग्राफ बनाया है। द वैल्यू ऑफ द फोर्स इज टेकिंग अलोंग द वाई एक्सिस, वही बात के फोर्स को वाई एक्सिस पे रखा है, एंड एक्सटेंशन ऑफ वाई टेकिंग अलोंग एक्स एक्सिस, और जो एक्सटेंशन है उसको हमने एक्स एक्सिस के अलोंग रखा है। इट इज द स्ट्रेट लाइन अनलेस द इलास्टिक लिमिट इज नॉट क्रॉस्ड, मैंने दोबारा आपको बताया नहीं कि ओ से सी तक स्ट्रेट लाइन कब तक रहेगी, जितने फोर्स अप्लाई हो रहा है उतने ही उसमें चेंज आ रहा है, यहां भी वही बात लिखे, इट इज द स्ट्रेट लाइन अनलेस द इलास्टिक लिमिट इज नॉट क्रॉस्ड, जब तक इलास्टिक लिमिट क्रॉस नहीं हुई तब तक जो है वो हुक्स लॉ अप्लाई हो रहा है, तब तक जितना स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, तब तक जितनी फोर्स अप्लाई हो रही है उसमें चेंज भी उतना ही आ रहा है। व्हेन इलास्टिक लिमिट इज क्रॉस्ड, कि जब इलास्टिक लिमिट को क्रॉस किया जाता है, देन एक्सटेंशन इज मोर रैपिड, तो फिर क्या हमारे पास आ जाता है, सी से एच यानी कर्व आ जाती है, ठीक है, मोर रैपिड, रैपिडली इजाफा होता है। This is located on the point C to point H of the graph. Point C से H तक rapid इजाफा है, उसमें rapid क्या हो रहा है, उसकी deformation एकदम से change हो गई है, linear नहीं रही, ठीक है। आगे आते हैं relation for strain energy की तरफ। Relation हमने एक drive करना, छोटा सा ये आसान नहीं है, triangle का आप सबको पता होगा कि triangle दी हो, work done find करना हो तो क्या formula जो है वो हम लिखते हैं, बस वो फार्मूला याद होना चाहिए, हमने अप्लाई करना और स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू निकाल लेनी है। शुरू करते हैं, लेट अस सपोज, कंसीडर करते हैं, सपोज करते हैं दैट द फोर्स इज रिमेंस कांस्टेंट, कि जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, ठीक है। एक मैस अगर 5 किलो का है तो वो 5 किलो ही रहेगा, आपने जब तक उसको स्टडी करना है, अगर 10 किलो का लटका दिया तो 10 किलो का रहेगा, तो फोर्स कांस्टेंट रहेगी। ड्यूरिंग अ स्मॉल एक्सटेंशन डेल एक्स, हम फॉर एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं, वैसे तो अगर ग्राफ को देखा जाए ना, जो मैंने फिगर बताई है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, वेट को हम चेंज कर रहे हैं, पहले 5 किलोग्राम है, फिर 10 है, फिर 15 है, अगर तो आप कॉन्स्टेंटली जो है वो रेगुलरली चेंज करते रहे, रेगुलरली वेट को चेंज करते रहेंगे तो फोर्स वेरिएबल आएगी, ये हमेशा याद रखिएगा, जब वेट को चेंज नहीं करेंगे तो फिर फोर्स कॉन्स्टेंट आएगी। तो यहाँ पे जो बात करने जा रहे हैं वो हमारे पास है किसकी, वो हमारे पास कांस्टेंट फोर्स की है, क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर के फोर्थ चैप्टर में वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स भी पढ़ा हुआ है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स भी पढ़ा हुआ है। तो वेरिएबल फोर्स जब आती है ना, तो हम पूरे पाथ को क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लेते हैं, तब हम बाद में एडिशन कर लेते हैं। तो हमने भी तो यहाँ यही किया ना, मैंने आपको बताया कि वाई एक्सिस के लॉन्ग जो फोर्स लग रही है उसको हमने क्या करना है, उसको हमने टुकड़ों में डिवाइड कर देना है, एफ वन एफ टू एफ थ्री एंड सो ऑन, ठीक है। और जो लेंथ है, लेंथ में जो उसके इंक्रीज आ रहा है वो वैसे तो स्मॉल चेंज हम ले रहे हैं डेल एक्स, वैसे मैंने जो टोटल लेंथ में चेंज है उसको एल वन एल टू एल थ्री में डिवाइड कर दिया, लेकिन जो एल वन है उसको मैं डेल एक्स की फॉर्म में ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है जी, रिमेंस, लेट अस सपोज दैट द फोर्स इज रिमेंस कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग अ स्मॉल एक्सटेंशन डेल एक्स, डेल वर्ड ही स्मॉल के लिए यूज होते हैं ना, तो जो उसकी लेंथ में थोड़ा सा चेंज आया है उसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि फोर्स कॉन्स्टेंट रहती है। Then work done by the force is given by, तो तब जो work done है, अच्छा दोबारा बताता हूँ जी, एक बच्चे का question आया है कि सर ये दोबारा बता दे, मैं दोबारा बता देता हूँ, आपने figure की तरफ जो है ना वो गौर करना है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि ये आपके पास है ना, for example एक जो है वो रबड़ है, ठीक है, रबड़ है, उसका piece है जिसके एक सिरे को आपने एक solid point से बांध दिया है,
दूसरे सिरे पे आपने क्या किया, एक वेट को लटका दिया। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि अगर रेगुलरली पहले 5 किलोग्राम बांधते हैं, उसको फौरी उतारते हैं या उसको इजाफा करते जाते हैं, 5 किलोग्राम के साथ 1 किलो और बांध देते हैं, फिर 1 किलो और बांध देते हैं, फिर 1 किलो और बांध देते हैं, यानी बांधते जाते हैं, तो उसका जो वेट है, उसकी जो जो ये जो रबड़ की बनी हुई लेंथ है आपके पास पीस है इन स्ट्रिक्ट फॉर्म, तो उसकी लेंथ में क्या होता जाएगा, मुसलसल इजाफा होता जाएगा। जब फोर्स में मुसलसल इजाफा होता है तो फिर क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती, फिर फोर्स वेरिएबल बन जाती है। लेकिन हम जो है ना वो जनरली कांस्टेंट फोर्स को डिफाइन भी करते होते हैं और कैलकुलेट भी करते हैं। अगर कोई फोर्स वेरिएबल आ रही हो, जिस तरह हमने फर्स्ट ईयर के फोर्थ चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा था, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, तो वेरिएबल जो फोर्स लग रही थी किसी भी बॉडी को डिस्प्लेस कराने के लिए, उसको हम टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे कह रहा हूँ कि जो वाई एक्सिस के लॉन्ग फोर्स लग रही है, ये दो चीजें है ना इसमें, एक तो लेंथ में इजाफा हो रहा है जिसको हमने डेल एक्स से लिखा है, और एक फोर्स उसके वेट में इजाफा हो रहा है जिसको हम फोर्स के फॉर्म में ले रहे हैं। तो दो क्वांटिटीज है, एक फोर्स है, एक हमारे पास चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है या चेंज इन लेंथ है। तो जो दोनों को ग्राफ बनाना है, दोनों के बारे में दोनों से रिलेटेड, तो हमने एक चीज को वाई एक्सिस के लॉन्ग रखना है, एक चीज को हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग रखना है। तो यहाँ पे जो हमारे पास लेंथ है ना, जो लेंथ में इजाफा हो रहा है, उसको हम वाई एक्सिस के लॉन्ग जो है वो रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, या प्लेस करवा रहे हैं, और जो हमारे पास फोर्स लग रही है उसकी उसकी वेट की वजह से, उसको हम वाई एक्सिस के लॉन्ग रख रहे हैं। मैंने आपको उस दिन बताया था कि जब भी ग्राफ बनाया जाता है तो जो मेन क्वांटिटी होती है, जो फर्स्ट क्वांटिटी होती है, उसको वाई एक्सिस के लॉन्ग रखते हैं, जो सेकेंड क्वांटिटी होती है उसको हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग रखते हैं। हमें पता है कि फोर्स होगी तो लेंथ में इजाफा होगा ना, तो फर्स्ट क्वांटिटी फोर्स है, क्यों, फोर्स लग रही है तो लेंथ में इजाफा हो रहा है, तो फोर्स को वाई एक्सिस के लॉन्ग रखें। अब जो सेकंड चीज है, जो कि किसी के बरक्स जो है वो रिजल्ट के तौर पे जिसको हम ले रहे हैं, उसको हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्लेस कर देंगे। ठीक है, चले स्टूडेंट्स, टाइम हमारे पास कम है, तो हम जो है ना वो रिलेशन फॉर स्ट्रेन एनर्जी हम इसको कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि मुश्किल नहीं होगा, आसान है बिल्कुल, जो चीजें समझाई है बिल्कुल मैंने कोशिश की है कि आपको डीपली जाके बता सकूं। अब ये बता दें कि आज का टॉपिक यहाँ तक किस किस को समझ आ गया है, स्ट्रेन एनर्जी की जो एक्सप्रेशन की है ग्राफ की, यहाँ तक आज का टॉपिक किस किस को समझ आ गया जी, बॉयज साइड से रिप्लाईज आना चाहिए। जी गर्ल साइड से रिप्लाईज आने चाहिए, आपको समझ आ गई ये सबको? चले ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप रिवाइज कीजिएगा और इसकी घर में आपने प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मटेरियल है, दोबारा कह रहा हूँ कि इसकी आपने जो है ना वो प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।